हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो फॉर क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। निम्नलिखित रिएक्शन के लिए हमें स्टेट सिंबल के साथ इक्वेशन लिखनी है। सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है इन वाटर, वाटर के अंदर रिएक्ट करता है टू गिव इन सोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आंसर है BaCl2, बेरियम क्लोराइड। एक्वास सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि पानी के अंदर घोल लेते हैं। Na2SO4 एक्वास, सोडियम सल्फेट भी क्या लेना है इन वाटर, पानी के अंदर, तो एक्वास वर्ड यूज करेंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बेरियम के साथ तो सल्फेट आ जाएगा और सोडियम के साथ क्लोराइड। तो BaSO4 ये सॉलिड फॉर्म के अंदर बनेगा, बर्तन के नीचे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और NaCl एक्वास सोल्यूशन के रूप में बनेगा पानी के अंदर। अब जो सेकेंड रिएक्शन थी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर लेना है तो एक्वास वर्ड आएगा। HCl किसके अंदर लेना है? पानी के अंदर, तो एक्वास वर्ड आएगा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl के साथ जुड़ जाएगा और H और OH जुड़कर H2, NaCl प्लस H2, H2O लिक्विड फॉर्म में आएगा। NaCl किस में आएगा? एक्वास, पानी के अंदर घोल, नमक होता है NaCl। क्वेश्चन नंबर 4, अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वाशिंग। एक सब्सटेंस है जिसका सोल्यूशन किसके रूप में यूज किया जाता है? वाइट वाशिंग के रूप में। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताएं और उसका फॉर्मूला बताएं। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। दी सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। एक्स क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है क्विक लाइम। इट्स फॉर्मूला इज CaO। अब इसके घोल को पानी के अंदर तैयार किया जाता है तो सेकंड का आंसर आएगा CaO सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, क्या बनाएगा? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी वाटर के साथ क्या थी? रिएक्शन थी। हम CaOH ट्वाइस को ही दीवारों के ऊपर अप्लाई करते हैं। 5th, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट सो डैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। कहता एसिड युक्त पानी का अगर बिजली से डिकम्पोजिशन किया जाए तो वॉल्यूम ऑफ वन गैस, एक गैस का वॉल्यूम ट्वाइस होगा वॉल्यूम ऑफ अदर गैस, नेम दी गैस। ये चीज़ पहले भी क्वेश्चन में आ चुकी है, द गैस इज हाइड्रोजन एंड इट्स वॉल्यूम इज ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का डबल होता है। क्यों होता है? H2O जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो H2 प्लस O2 बनाता है। जो H2 होता है, जब वाटर का एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके अंदर वाटर की दो वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन डबल होती है ऑक्सीजन की, इसलिए हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी डबल होगा ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से। व्हेन यू मिक्स सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड, जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड, नेम द कंपाउंड इन्वॉल्व। तो सबसे पहले आएगा द प्रेसिपिटेट इज येल्लो इन कलर। जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई जाती है तो येल्लो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। द कंपाउंड इज लेड आयोडाइड, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? लेड आयोडाइड। इसकी रिएक्शन राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन सेकंड पार्ट है, तो हम इसकी P
PbNO3 ट्वाइस एक्वास सॉल्यूशन, जब पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है Ki के साथ तो Pb के साथ I आ जाएगा और K के साथ NO3, तो PbI2 KNO3 बन जाएगा। तो PbI2 के येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इज डैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? PbI के साथ जुड़ गया और KNO3 के साथ दोनों ने अपनी जगह चेंज किया, तो यस इट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेवंथ क्वेश्चन, वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन की नेल को डाला जाता है तो क्यों रंग चेंज होता है? आयरन नेल अक्वायर अ ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर, लोहे की कील के ऊपर तो ब्राउन कलर का कॉपर जमा हो जाएगा एट द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जब आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। जब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो आयरन इसको डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाएगी और कॉपर क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। जो ये ब्लू कलर था ये डिसअपियर हो जाएगा और ग्रीन कलर का FeSO4 का सोल्यूशन बन जाएगा। आगे है, गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल कोई भी लिख सकते हैं। BaCl2CuSO4 को जब मिलाया जाता है तो CuCl2 बन जाएगा और BaSO4 बन जाएगा। आइडेंटिफाई दी सब्सटेंस डैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस डैट आर रिड्यूस। तो देखिए NaO2 Na2O, यहाँ पर Na के साथ क्या नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोडियम जो इधर वाला है इज ऑक्सीडाइज टू सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीजन का क्या होगा? रिडक्शन। अगर सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन चिपक गई तो ये क्या? ऑक्सीडेशन। और दूसरी चीज इसका क्या होगा? रिडक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड है, H2 के साथ रिएक्शन की तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ प्रोडक्ट में अकेला कॉपर रह गया, ऑक्सीजन उतर गई, तो हम लिखेंगे CuO इज रिड्यूस टू कॉपर। Cu जो है और जो चीज़ बनी है वो लिखो, बीच में लिखेंगे इज रिड्यूस टू। अब H2 अकेली थी, अब इसके साथ कौन जुड़ गई है? ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे H2 इज ऑक्सीडाइज, H2 है इज ऑक्सीडाइज और लास्ट प्रोडक्ट लिखेंगे H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2O, ये वर्ड आएगा। टेंथ क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग फ्लेम इन एयर, अगर मैग्नीशियम की रिबन को गर्म किया जाता है तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है एंड चेंज टू वाइट सब्सटेंस, और एक वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इज मैग्नीशियम बींग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस इन रिएक्शन, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे Mg+O2 2MgO। अब ये पूछ रहा है कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, देखो मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़कर क्या बन गया? MgO। जिस चीज़ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो वो ऑक्सीडाइज होता है, हम लिखेंगे Mg इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, हम लिखेंगे Mg इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड।